नमस्कार जनसत्ता में आपका स्वागत है। हिंदी सिनेमा का बड़ा नाम कपूर खानदान की पुश्तैनी संपत्ति बिक गई है। फिल्म जगत के शोमैन दिवंगत एक्टर राज कपूर का चेंबूर स्थित बंगला बिक गया है। पहले उनका आरके स्टूडियो और अब ये घर जिसमें उनकी यादें बसती थी, इसे बेच दिया गया है। इस घर को राज कपूर ने साल 1946 में खरीदा था, जहां वो अपनी पत्नी कृष्णा राज और बेटों के साथ रहा करते थे। राज कपूर के बंगले को गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड ने खरीदा है। बताया जा रहा है कि इस संपत्ति पर गोदरेज कंपनी रियल एस्टेट बिजनेस करेगी। ये आलिशान बंगला टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के पास है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इससे पहले गोदरेज ने ही कपूर के आर के स्टूडियो को साल 2019 में खरीदा था। आपको बता दें कि राज कपूर का ये बंगला उनके आर के स्टूडियो के पीछे ही बना है। इसमें कपूर खानदान की कई यादें जुड़ी हैं। ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी 42 साल पहले इसी बंगले में हुई थी। इसका नाम राज कपूर की पत्नी के नाम पर था। बंगले को कृष्णा राज बंगलों के नाम से भी जाना जाता था। ऋषि कपूर के अलावा उनके भाई रणधीर और बबीता ने इसी घर में फेरे लिए थे। इनके अलावा रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर और करिश्मा कपूर की शादी भी इसी बंगले में हुई थी। साल 2005 में ऋषि कपूर इस बंगले को बेचना चाहते थे। उस वक्त इसकी कीमत 30 करोड़ रुपए लगाई गई थी, लेकिन उनकी मां कृष्णा राज ने बंगले को नहीं बेचने दिया था। कुछ साल पहले रणधीर कपूर इसी बंगले में रहा करते थे। उन्होंने ये बंगला ये कहते हुए छोड़ दिया था कि उन्हें यहाँ अकेलापन महसूस होता है। अब इस मौके पर रणधीर कपूर का बयान सामने आया है। वो ये बंगला बिकने पर भावुक हैं और उन्होंने कहा है कि चेंबूर में इस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से हमारी कई यादें जुड़ी हैं और हमारे परिवार के लिए इसका ऐतिहासिक महत्व है। इस लोकेशन के डेवलपमेंट और समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाने के लिए गोदरेज प्रॉपर्टी के साथ एक बार फिर से जुड़कर हमें खुशी हो रही है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।